हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी नॉन रैंडम सैंपलिंग। टुडे अवर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नॉन रैंडम सैंपलिंग। प्रीवियस टॉपिक में हमने रैंडम सैंपलिंग के बारे में डिस्कस किया था, एंड नेक्स्ट टॉपिक है नॉन रैंडम सैंपलिंग। व्हाट इज नॉन रैंडम सैंपलिंग? इन नॉन रैंडम सैंपलिंग इन्वेस्टिगेटर डिसाइड विच इंडिविजुअल्स आर selected in sample. What is non-random sampling? In non-random sampling, investigator decide which individuals are selected in sample. Means कि अगर रैंडम में सैंपलिंग में हमें देखा था कि जब भी सैंपल लेते हैं तो ठीक है, सैंपल में किन पर्सन को, किन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करना है, किन किन पर्सन का सैंपल लेना है, तो वो कौन डिसाइड करता है? इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, सपोज कि अगर 10 हाउसहोल्ड हैं और उसमें से 100 हाउसहोल्ड सेक्टर्स हैं, हाउसहोल्ड फैमिलीज हैं, एंड उसमें से 10 हाउसहोल्ड हमने सिलेक्ट करने हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो उसको राइट लगता रहा हो। ठीक है, मतलब कि जिसको वो सिलेक्ट करना चाहता है उन हाउसहोल्ड को वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिसको वो रिजेक्ट करना चाहता है वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मीन्स की जो सारी जजमेंट है वो कौन देगा? इन्वेस्टिगेटर। ओके, इसमें हमें वो नहीं करना पड़ेगा जैसे हमने रैंडम सैंपलिंग में किया था कि एक बॉक्स में पहले हम चिट बनाएंगे। ठीक है, फिर चिट में से हम जिनका सैंपल लेना, लाइक हमने 10 सैंपल्स लेने हैं, 20 सैंपल्स लेने हैं, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसमें क्या था, एवरी इंडिविजुअल के पास क्या है, एक उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती थी कि वो भी सिलेक्ट हो सकता है। बट नॉन रैंडम सैंपलिंग में चिट वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद क्या है, अगर सैंपल उसने लेना है तो वो खुद सैंपल को सिलेक्ट करेगा कि किन हाउसहोल्ड को उसको सिलेक्ट करना चाहिए। सपोज कि अगर वो हाउसहोल्ड सेक्टर से उसको सैंपल चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को हाउसहोल्ड फैमिली से, उसने अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछना, मीन्स उनकी जॉब की हुई, उनके फैमिली मेंबर क्या क्या जॉब करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा कि सभी सभी हाउस होल्ड में तो वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हाई एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, टाइम उसका वेस्ट होगा, ठीक है, कॉस्ट भी उसकी यूज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो क्या करेगा कि 100 हाउस होल्ड सेक्टर में से उन्हें जॉब के बारे में पता करना है, तो वो क्या करेगा, 10 हाउस होल्ड सिलेक्ट कर लेगा अपने अकॉर्डिंग जो उसको बेटर लगते हैं। ठीक है, और वो उन 10 हाउस होल्ड फैमिली से जाके उनकी जो जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और जो बाकी के 100 में से 10 कट किए तो 90 रह गए, तो 90 के वो क्या है, 10 की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसी के एस्टिमेशन से बाकी की इन्फॉर्मेशन भी, बाकी पर्सन हैं, बाकी जो फैमिलीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर देगा लिस्ट में। क्लियर है? बट देखो, नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि इसमें हर एक इंडिविजुअल के पास चांस नहीं होता है कि वो भी सिलेक्ट किया जाएगा। रैंडम सैंपलिंग में तो अब चिट बॉक्स में उसने 100 पर्सन की, 100 हाउस होल्ड सेक्टर की क्या है, चिट बना के रख दी, तो 100 हाउस होल्ड सेक्टर के पास एक तरफ से अपॉर्चुनिटी तो है ना कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। बट नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, क्योंकि नॉन रैंडम सैंपलिंग में जो हाउस होल्ड हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उनको भी सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी पर्पज के अकॉर्डिंग एंड कोटा के अकॉर्डिंग क्या है, हाउस होल्ड सिलेक्ट करते हैं। सपोज कि अगर वो 10 हाउसहोल्ड हैं, फैमिलीज हैं, और उसमें से 100 हाउसहोल्ड हैं, फैमिलीज हैं, और उसमें से वो 10 को सिलेक्ट करता है, सैंपल लेता है, तो इसमें वो जो सैंपल लेगा वो किस बेस पे लेगा इन्वेस्टिगेटर? अपनी पर्पस के बेस पे, कोटा के बेस पे। कोटा मीन्स एससी बीसी जनरल के बेस पे। ठीक है, कि कोटा के बेस पे शायद वो क्या है, बीसी के जो स्टूडेंट हाउस होल्ड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि अपने सैंपल में जो वो 10% लेगा, तो वो 10% में वो एससी के भी ले सकता है, बीसी के भी ले सकता है, जनरल के भी ले सकता है, कोटा के अकॉर्डिंग भी ले सकता है। ठीक है, या फिर अपने पर्पज के अकॉर्डिंग, मतलब जिनको वो जानता होता है। ठीक है, सपोज अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ, ठीक है,
10 जो 100 हाउस होल्ड हैं उनकी इनकम के बारे में मुझे पता करना है, या फिर उनकी फैमिली में कौन कौन से पर्सन जॉब करते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर 100 हाउस होल्ड 100 फैमिलीज में जाके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी तो एक तो मुझे एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, और साथ में मुझे जो एनुमिनेटर्स हैं इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी भी हेल्प हो चाहिए होगी। ठीक है, तो वो तो मुझे क्या है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगी, ओनली 10 हाउस होल्ड हैं, ओनली 10 फैमिलीज हैं उनका सैंपल ले लूंगी। ठीक है, और 10 फैमिलीज का जो मैं सैंपल लूंगी उसी के बेस्ड मैं जो बाकी अनदर 90 हाउस होल्ड हैं उनका डाटा मेंशन कर दूंगी लिस्ट में, जिसमें भी मैंने इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, तो जो अब वो क्या है कि अब मैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या करूंगी कि अगर मैं 10 पर्सन का 10 फैमिलीज का सैंपल भी लेती हूँ ना, तो वो पर्सन मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकती हूँ अपनी डिजायर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं उस हाउस होल्ड को सिलेक्ट करूंगी जिसमें मेरे फ्रेंड है उसको मैं अच्छे से जानती हूँ, या कोई वेल नोन पर्सन है जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ, या कोई फ्रेंड्स हैं रिलेटिव हैं उनके हाउस होल्ड सिलेक्ट करूंगी, मीन्स उनसे जाके मैं सैंपल ले लूंगी। क्लियर है, तो इसी मतलब कि वो चिट वगैरह नहीं बनानी पड़ती है, हर एक पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है सिलेक्ट होने की। इसमें क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग वो क्या है जजमेंट करता है, डिसीजन लेता है, वो कोई भी हाउस को सिलेक्ट कर सकता है सैंपल के लिए। 10 जैसे सैंपल लेना है तो 10 में मैं कोई भी हाउस सिलेक्ट कर सकती हूँ, मेनली मैं वो हाउस सिलेक्ट करूंगी जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ जिन हाउसेस के बारे में, ठीक है, या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन हाउसेस को सिलेक्ट करूंगी। क्लियर है, तो मतलब कि इन्वेस्टिगेटर अपनी अकॉर्डिंग करता है सब कुछ, कोटा के अकॉर्डिंग, ऐसे बीसी जनरल जो मेरे को बेस्ट लगता है मैं उस हाउस के पास जा सकती हूँ और उनसे इन्फॉर्मेशन इनकम से रिलेटेड या फिर उनकी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो जो मैं 10 सैंपल्स लूंगी वो अपने अकॉर्डिंग लूंगी जिनको जिन फैमिलीज को मेरे बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, क्लियर है, जिसकी मुझे पूरी नॉलेज है। और 10 सैंपल लेने के बाद जो भी मैं जिस बेस्ड मैंने डाटा कलेक्ट किया था, जॉब बेस्ड या इनकम बेस्ड, ठीक है, तो जॉब बेस्ड जॉब के बारे में मैंने उनसे पूछा था फैमिलीज में जाके, तो जो डाटा मैंने कलेक्ट किया था बाकी के जो 90 हाउस होल्डर फैमिलीज बचेगी उनके में भी मैं क्या है वही डाटा यूज कर लूंगी। एस्टिमेशन हो जाएगा मुझे कि अगर 10 फैमिलीज में इतने पर्सन जॉब कर रहे हैं तो जो बाकी 90 फैमिलीज होगी उसमें भी इतने पर्सन जॉब करेंगे। क्योंकि सैंपल लेने का पर्पस क्या होता है कि एक एस्टिमेशन लग जाता है, हमें एस्टिमेशन पता चल जाता है, और एस्टिमेशन से हम जो लार्ज डाटा हमारे पास होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये थी नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसमें इंडिविजुअल पर्सन के पास इक्वली चांस नहीं होते हैं सिलेक्ट होने के। नेक्स्ट, फर्स्टली हमने रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग के बारे में डिस्कस किया, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैंडम एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर। टॉपिक है हमारा सैंपल एरर। अब देखो, एवरी पॉपुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल डाटा होता है जिसमें, ठीक हो, मतलब जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक में मैंने आपको बताया था कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, पॉपुलेशन में जिसपे हम डाटा वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम 1000 स्टूडेंट्स की वेट के ऊपर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या है पॉपुलेशन। तो देखो, जो एवरी पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें क्या है न्यूमेरिकल डाटा इंक्लूड होता है, कंसिस्ट होता है। अब देखो, अगर मैं 1000 स्टूडेंट का वेट पता कर रही हूँ तो ये क्या है, दिस इज पॉपुलेशन और यूनिवर्स, और इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज है, नंबर के फॉर्म में है, 1000 स्टूडेंट है तो ये नंबर के फॉर्म में हमारे पास वैल्यू। तो इसकी जो एवरी पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज कंसिस्ट होती हैं, इंक्लूड होती हैं, तो उसके टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, टू फीचर्स होते हैं, एंड वो टू फीचर्स क्या होते हैं, फर्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, विच मे बी मेजर्ड बाय मीन मीडियन मोड। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करना, और इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड की हेल्प से, ओके। एंड सेकंड होता है डिस्पर्जन, विच मे बी मेजर बाय स्टेप डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और डिस्पर्जन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये क्या है, टू फीचर्स हैं पॉपुलेशन की।
अब देखो कि जो मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी या फिर डिस्पर्जन, स्टेप डेविएशन, ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। उसमें आपको बिल्कुल इलेबोरेट वे में एक्सप्लेन किया होता है कि व्हाट इज मीन, मीडियन, मोड एंड इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सैंपल एरर्स टू टाइप्स, मीन्स जो हमने रैंडम सैंपलिंग की है एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग की है, तो उसमें एरर्स करनी है, मतलब कि उसमें क्या क्या एरर्स होती है, मिस्टेक। अब देखो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रैंडम सैंपलिंग। अब देखो जो सैंपल लेते हैं, ठीक है, 100 में से 10 का सैंपल लिया, 50 का सैंपल लिया, 20 का सैंपल लिया, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ सैंपल इज टू गेट वन और मोर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर मींस कि द पर्पस ऑफ सैंपल, सैंपल लेने का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें वन और मोर एस्टिमेशन पता चल जाते हैं, एस्टिमेशन हमें पता चलती है सैंपल लेने से, ठीक है, किसकी, ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर जो हमारी पास, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होती है, पैरामीटर मींस जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, लाइक जैसे कि हमारे पास 1000 का हमने पता करना है डाटा वगैरह, यहाँ की उस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है 1000 स्टूडेंट के वेट की, ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, तो इसकी हमें एस्टिमेशन पता चल जाती है, ठीक है, सैंपल के थ्रू। ताकि इससे क्या है, हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होता, हमें एक्सपेंडिचर भी नहीं करना पड़ता ज्यादा, क्लियर है। तो सैंपल का पर्पस तो ये होता है ताकि हम एस्टिमेशन करें, 10% का सैंपल लें तो 10% के सैंपल से हमें एस्टिमेशन हो जाएगा कि जो बाकी पर्सन हैं उनकी वो क्या क्या जॉब करते हैं, या वो उनकी इनकम कितनी है, या स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो उनका वेट कितना है। अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं उसमें से अगर हम 100 स्टूडेंट का सैंपल ले लेते हैं, तो इससे हमें 100 स्टूडेंट का सैंपल लिया तो हमें एस्टिमेशन एस्टिमेट हो गया कि जो 900 स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो रिमेन 900 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो वेट है, वो हाइट है, वो कितनी होगी, 4 5 जितनी भी हम ले गए उसके करीब हमें एस्टिमेशन हो जाती है, तो इसीलिए हम सैंपलिंग लेते हैं, सैंपल लेते हैं। बट अब देखो रैंडम सैंपलिंग एरर हमने फाइंड करनी है, तो रैंडम सैंपलिंग एरर क्या होती है, रैंडम सैंपल एरर द डिफरेंस बिटवीन दी सैंपल एस्टिमेट और दी कोरेस्पोंडिंग वैल्यू पैरामीटर, या फिर आप पैरामीटर कह सकते हो या वैल्यू कह सकते हो, लाइक जैसे कि देखो द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज रैंडम सैंपलिंग एरर, द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एस्टिमेट मीन्स सैंपल में जो हम एस्टिमेट करते हैं एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू है पॉपुलेशन की, लाइक जैसे 1000 स्टूडेंट्स हैं और हम जो सैंपल एस्टिमेट करते हैं, तो उन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम सैंपल एरर, वो क्या होती है, रैंडम सैंपल एरर होती है, उसमें मिस्टेक होती है। तो उसको रैंडम सैंपल एरर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसका चार्ज मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर हम लार्ज सैंपल लें तो उससे हम रैंडम सैंपल एरर होती है उसको रिमूव कर सकते हैं, या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखो सपोज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको बेटर क्लियर होगा कि फाइव फार्मर हैं एंड उसकी एवरेज इनकम फाइंड करनी है, एवरेज इनकम हमने फाइंड करनी है इन्वेस्टिगेटर ने। इन्वेस्टिगेटर के लिए जो मेन वर्क है वो क्या है कि फाइव फार्मर्स हैं एंड उनकी एवरेज इनकम फाइंड करनी है। फाइव फार्मर्स की इनकम कितनी है, फर्स्ट फार्मर की इनकम है 500 रुपीज, सेकेंड की 550, थर्ड की 600, फोर्थ की 650 एंड फाइव फिफ्थ की 700, मीन्स ये फाइव फार्मर्स हैं और इन्वेस्टिगेटर ने इनकम कलेक्ट की है, तो फाइव फर्स्ट फार्मर्स की इनकम ये है, दिस इज द इनकम ऑफ फाइव फार्मर्स। अब हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सबको प्लस करके जितने भी टोटल फार्मर्स की हमें इनकम है वो इंक्लूड की है, उसको डिवाइड कर देंगे फाइव से,
सबको प्लस करके 5 के साथ डिवाइड कर देना है। अब देखो कितना सिक्सटीन सेवनटीन थ्री थाउजेंड, तो टोटल इनकम कितनी हो गई 3000। अगर हम दोबारा देखें तो देखो 5 5 10 0 1 कैरी, ठीक है 13 14 15 16 20 25 30, क्लियर है। इनको सब प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3000 इनकम, और उसको हम 5 टोटल कितनी मेंबर्स की हमने इनकम है वो इंक्लूड की है 5, तो उसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 600। 5 6 30 600 हमारे पास क्या है एवरेज इनकम आ जाएगी, मीन्स की जो फार्मर्स की एवरेज इनकम है वो क्या है 600। तो ये क्या है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, ये पॉपुलेशन है हमारे पास 5 फार्मर्स की एवरेज इनकम फाइंड करनी है, तो ये हमारी पॉपुलेशन है यूनिवर्स है, तो पॉपुलेशन की जो एक्चुअल वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 600, क्लियर है। अब देखो अगर हम सैंपल के अकॉर्डिंग करें अगर हम टू फार्मर सैंपल लेना है हमने, ठीक है 5 फार्मर्स की जगह हम क्या है 5 फार्मर की, सपोज कि हमें 5 फार्मर की एवरेज इनकम फाइंड करने में बहुत एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है टाइम भी यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या है 5 में से 2 फार्मर्स की सैंपल ले लेते हैं 600 एंड 500। 2 फार्मर्स का हमने सैंपल ले लिया, ठीक है सैंपल लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर इसकी एवरेज इनकम हम फाइंड कर लेते हैं तो 600 प्लस 500 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमने 2% का सैंपल लिया है 1100 बाय 2, ठीक है और 2 के साथ जब हम 1100 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 1, 2 5 10 और 0, मतलब कि जो 2 फार्मर्स हैं उनकी एवरेज इनकम कितनी आई है 550। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी थी 600। अगर हम सभी की वैल्यू फाइंड करते हैं सभी फार्मर को इंक्लूड करके फिर उसकी एवरेज इनकम फाइंड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आया था 600। बट अगर हम 2% की इनकम सैंपल लेते हैं, 5 में से 2% का हमने 2 फार्मर का सैंपल लिया है और उनकी इनकम की हमने एवरेज फाइंड करी 550, और उसके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बाकी की इनकम लगा देंगे तो वो क्या है एरर हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट इनकम हमने एवरेज इनकम है वो हम प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं क्योंकि हमने एस्टिमेशन की है सैंपल ली है इसीलिए। तो मतलब कि जो रैंडम सैंपलिंग एरर क्या होती है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू की जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आई है और जो हमने सैंपल लिया है सैंपल से एस्टिमेट किया है लाइक जैसे 550, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगी हमारी रैंडम सैंपलिंग एरर, कितना डिफरेंस है 50 का। सैंपल हम लेते तो हैं बट उससे क्या है एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, एक्चुअल एक्चुअल में जो हमें एवरेज इनकम फाइंड करनी है वो नहीं फाइंड हो पाएगी, उसमें एरर्स होती है उसमें मिस्टेक्स होती हैं। ये थी हमारी रैंडम सैंपलिंग एरर। नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर। नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर देखो नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर में क्या होता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या है अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है कि किस हाउस होल्ड सेक्टर की हाउस होल्ड या फैमिली की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता है डिसीजन लेता है जजमेंट करता है, ठीक है। तो जो नॉन रैंडम सैंपलिंग, अब देखो जो रैंडम सैंपलिंग एरर है उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं ताकि एरर ना हो रैंडम सैंपलिंग में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो सैंपल है जहाँ पे अगर हम 100 हाउसहोल्ड में से 10 हाउसहोल्ड का सैंपल ले रहे हैं तो हम सैंपल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं लाइक जैसे 50 सैंपल ले सकते हैं, ओके तो इससे हम एग्जैक्ट मतलब कि एकदम करेक्ट एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो 100 हाउसहोल्ड्स हैं फैमिलीज हैं उनकी इनकम एवरेज इनकम कितनी है।
तो जो रैंडम सैंपलिंग एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो सैंपल का साइज है उसको लार्ज करके, ठीक है। एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर क्या होती है कि जो नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर होती है ना, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद डिसीजन जजमेंट वगैरह लेते हैं, खुद हाउस हाउस जिनकी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फैमिली की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो खुद सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हम अब रैंडम सैंपलिंग एरर को, तो उसका साइज जो सैंपल है उसका लार्ज लेके सैंपल, ठीक है, तो उसको तो रिमूव कर सकते हैं, बट जो नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है ना, इसको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू मिनिमाइज नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग को अगर हम, नॉन रैंडम सैंपलिंग में अगर हम लार्जर सैंपल भी लेंगे ना, तब भी हम नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर्स को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिमूव कर सकते, व्हाट इज रीजन? तो इसके लिए हम क्या है, कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर्स? नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर्स क्यों होती है, इसके मेन जो रीजंस हैं, ठीक है, वो फर्स्ट रीजन है सैंपल बायस। बायस मीन्स डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है, पक्षपात करना, हिंदी में जिसको बोलते हैं पक्षपात करना, तो सैंपल बायस। अब देखो कि नॉन रैंडम सैंपलिंग में मेनली पता है क्या होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, या तो जो रिस्पॉन्सर जवाब देने वाला पर्सन होता है इन्वेस्टिगेटर को, वो सही ढंग से जवाब नहीं देता है, ठीक है, या इन्वेस्टिगेटर क्या है, इन्फॉर्मेशन जब लिख रहा होता है तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर देता है लिखते टाइम, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि जब हम उस इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर में नोट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सारे रजिस्टर में नोट होती है, तो मतलब कि अब देखो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, कंप्यूटर में नोट होती है, तो उस टाइम पे अगर हमने इन्फॉर्मेशन जो लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है 31, ठीक है, बट हमने जो रजिस्टर है या कंप्यूटर है उसमें क्या मेंशन कर दिया, 13, 1, 3, 13, ठीक है, तो ये क्या होती है, नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर। तो इसकी वजह से इनको ना रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। सम नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर आर, एंड द फर्स्ट रैंडम सैंपलिंग एरर इज सैंपल बायस। सैंपल बायस मींस कि जब भी सैंपल लेते हैं इन्वेस्टिगेटर्स तो वो क्या करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो अगर 100 हाउस होल्ड है, फैमिलीज हैं, उसमें से 10 हाउस होल्ड सिलेक्ट करेगा। सैंपल बायस एरर कब अक्कर होती है, कब क्रिएट होती है, कि जब सैंपल लेने का मेन प्लान होता है ताकि हमें एस्टिमेशन पता चल जाए, सैंपल तो हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमें एस्टिमेशन पता चल जाए, बट क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेटर 100 हाउस होल्ड में से 10 हाउस होल्ड का सैंपल ले रहा है, तो वो जिन 10 हाउस होल्ड के सैंपल क्या है, अपनी मर्जी से लेता है, अपने अकॉर्डिंग लेता है नॉन रैंडम सैंपलिंग में, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लेता है, तो जिन हाउसेस का सैंपल लेना जरूरी होता है वो उनका सैंपल, उसका सैंपल नहीं ले पाता, क्योंकि देखो मैं अगर सैंपल ले रही हूँ, 10 सैंपल्स मैंने लिए हैं फैमिलीज के, तो मैं उनके सैंपल लूंगी जिन फैमिलीज में मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या जिन फैमिलीज के बारे में मैं जानती हूँ, वेल नोन, अच्छे से उनके बारे में जानती हूँ, तो उनका सैंपल्स लूंगी। मीन्स की कुछ कुछ सैंपल मतलब की मैं ऐसे मतलब की हाउसेस को छोड़ देती हूँ, लीव कर देती हूँ कि जिनके सैंपल लेना कंपल्सरी होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। 10 हाउसेस के ले रही हूँ, तो देखो 6 हाउसेस के तो मैंने सही सैंपल ले लिया अपने अकॉर्डिंग, बट 4 मुझे क्या है कि कुछ जो जरूरी हाउसेस, इंपॉर्टेंट घर थे, फैमिलीज थी, उनका सैंपल लेना मेरे लिए जरूरी था, ठीक है, बट मैंने उनका सैंपल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग जजमेंट ले रही हूँ, कर रही हूँ। तो इसीलिए कौन सी एरर क्रिएट होती है, नॉन सैंपलिंग एरर, फर्स्ट एरर है वो सैंपल बायस है। सैंपल बायस मींस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जब भी सैंपल लेते हैं या डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है, तो उसमें इसमें हर एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जैसे रैंडम सैंपलिंग में हुआ था। तो सैंपलिंग बायस एरर तब अक्कर होती है कि जब मैं 10 पर्सन का सैंपल ले रही हूँ, तो कुछ ऐसे पर्सन का सैंपल लेना मैं भूल जाती हूँ जिनका सैंपल लेना बहुत जरूरी होता है, क्लियर है, उससे क्या है नॉन जो सैंपल बायस एरर कहते हैं। ये है फर्स्ट इसका पॉइंट, नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर का। नेक्स्ट है नॉन रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर मींस कि अगर मैं सैंपल ले रही हूं तो वो पर्सन क्या है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि नॉन रिस्पॉन्स एरर अगर इफ इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर है वो
सैंपल लेने जा रहा है, बट जो रिस्पॉन्सर जिससे वो क्वेश्चन पुट कर रहा है वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देता इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है। या फिर क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पॉन्सर के कॉन्टेक्ट में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर क्या है, इन्फॉर्मेशन उसको मिल नहीं पाती है, तो वो क्या करता है अपनी मर्जी से इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं इन्वेस्टिगेटर किसी भी हाउस में जाता है और वहां के जो रिस्पॉन्सर जिनसे वो रिस्पॉन्स मांगता है क्वेश्चन के, उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा कि अपने अकॉर्डिंग उनकी इन्फॉर्मेशन लिख देगा, ठीक है। जो भी उस पर डाटा उसको चाहिए, इनकम पे चाहिए, तो सपोज इनकम पे डाटा चाहिए, तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लिख देगा वो जो कि इनकरेक्ट है, क्लियर है। तो नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या होती है कि जब इंटरव्यू जो इन्वेस्टिगेटर है उसको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं रिस्पॉन्सर, या फिर क्या है रिस्पॉन्सर उसके कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, तो इन्वेस्टिगेटर अपने अकॉर्डिंग से इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं जो कि क्या है एरर क्रिएट करती है, क्लियर है। और थर्ड है एरर इन डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन मींस डेटा कलेक्ट करने में भी एरर क्रिएट होती है, वो कैसे, दिस एरर अराइजेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। डाटा एक्विजिशन मीन्स डाटा को कलेक्ट करने में क्या क्या एरर्स आती है। अब देखो दिस एरर अराइजेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, जो एरर इन डाटा एक्विजिशन है वो एरर क्यों कैसे क्रिएट होती है कि जब जो रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को जो रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, वो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, और वो रिकॉर्ड कर लेते हैं हम रजिस्टर में, तो वो क्या है एरर क्रिएट करते हैं, क्लियर है। सपोज कि अगर टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला, क्लास के स्टूडेंट्स को बोला कि आपने टीचर की जो टेबल होता है, ठीक है, टीचर का जो टेबल है, ठीक है, उसकी आपने मेजरमेंट करने की जो टेबल की वो हाइट मतलब की जो लंबाई वगैरह लेंथ है या विड्थ है वो कितनी है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैं वो मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो इससे एरर कैसे क्रिएट होगी मेजरमेंट करने में कि जो मेजरमेंट टेप है वो अलग हो सकता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, सभी अलग अलग मेजरमेंट करेंगे, या फिर और रीजन क्या हो सकता है, केयरलेसनेस ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स की जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं लापरवाही दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो नोटी होते हैं, बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, ठीक है, तो अगर उनको मेजरमेंट करने के लिए बोला है टेबल को, टीचर के टेबल को, तो वो क्या करते हैं सही ढंग से मेजर नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट मेजर करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो डाटा है वो हमारे पास इनकरेक्ट आ रहा है, इनकरेक्ट डाटा आएगा, तो जो भी इनकरेक्ट डाटा को जब हम रिकॉर्ड में रखेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन, तो उससे क्या है कि जो एरर है डाटा में एरर क्रिएट जरूर होगी, ठीक है। या फिर देखो कि अगर हम सेकंड एग्जांपल ले कि ऑरेंज के प्राइसेस पता करने हैं कि मार्केट में ऑरेंज का प्राइस कितना है, उसका डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो ऑरेंज के जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि ऑरेंज का प्राइस है वो सभी अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग शॉप से में लेते हैं तो वो सभी क्या है एक जैसा प्राइस लेंगे, ठीक है। तो सभी के प्राइसेस इक्वल नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए हम क्या है, या फिर ऑरेंज की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वालिटी की कितनी बेस्ट क्वालिटी है, तो बेस्ट क्वालिटी है तो प्राइस ज्यादा लेंगे, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है ऑरेंज तो प्राइस कम लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि जो प्राइस है वो एक कॉन्स्टेंट नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में जो ऑरेंज का प्राइस है वो डिफरेंट होता है, तो इसीलिए हम ऑरेंज का जो प्राइस है वो सिर्फ उसकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कितना प्राइस, ठीक है। तो एरर इन डाटा एक्विजिशन में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो रिस्पॉन्सर जो भी इन्वेस्टिगेटर को जवाब देता है आंसर देता है तो इन्वेस्टिगेटर से कई बार मिस्टेक हो जाती है कि वो लिख रिस्पॉन्स उसने कुछ और दिया, 31 का रिस्पॉन्स दिया और इन्वेस्टिगेटर ने कितना लिख दिया 13। अगर इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्सर से उसकी एयर के बारे में पूछ रहा है तो वो कहता है 31 है, बट इन्वेस्टिगेटर क्या है 13 लिख देता है, और फिर उसको जब हम रजिस्टर में नोट करते हैं तो वहां पे भी मिस्टेक हो जाती है। तो नॉन, ये क्या है, एक नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर। नॉन रैंडम सैंपलिंग एरर क्या होती है कि जिसको हम क्या है रिमूव नहीं कर सकते, डिफिकल्ट होता है उसको रिमूव करना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है
NSS। अब देखो हमारी जो कंट्री है इंडिया में, इसमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एजेंसीज हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एजेंसीज हैं, एट नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, ठीक है। इंडिया में जो एजेंसीज हैं वो नेशनल लेवल पे भी है एंड स्टेट लेवल पे भी है। क्यों बनाई गई है? टू कलेक्ट प्रोसेस एंड टैबुलेट द स्टैटिस्टिक डाटा, कि जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटर लोगों के घर पे जा जाके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सिटीज में जा जाके जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा को क्या है कलेक्ट करना, फर्स्टली उस पर प्रोसेसिंग वर्क करना और उसके बाद क्या है उसको टेबल की फॉर्म में, टैबुलेट मतलब कि टेबल की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। लाइक अगर पॉवर्टी पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो टेबुलर फॉर्म में उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो पूरी कंट्री के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे जाएंगे, तो क्या टेबल की फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है सिटीज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंट पॉवर्टी परसेंटेज, परसेंटेज में पॉवर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। लाइक जैसे आंध्र प्रदेश है तो वहाँ पे कितनी पॉवर्टी है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान वाली साइड, कर्नाटक, तो ऐसे, ठीक है। तो मतलब टेबल की फॉर्म में जब उसको प्रेजेंट करते हैं डाटा को, अब देखो कि हमारे कंट्री में जो एजेंसीज हैं वो नेशनल लेवल पे भी होती हैं एंड स्टेट लेवल पे भी होती हैं। तो जो नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं? NSS, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, ओके। एंड सेकंड है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल लेवल पे जो एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी है? नेशनल सैंपल सर्वे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, एंड लेबर ब्यूरो एक्सेट्रा। तो ये क्या है? नेशनल लेवल पे एजेंसीज हैं। तो ये जो एजेंसीज हैं वो गवर्नमेंट ने क्यों एस्टेब्लिश की है, क्यों इम्प्लीमेंट की है? ताकि हम कंट्री की जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज हैं उसके ऊपर डिस्कस कर सके, उसके ऊपर स्टडी कर सके। देखो कंट्री में जो सेंसस की जाती है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, तो इससे क्या है कि हमें कंट्री की जो डेमोग्राफिक एलिमेंट्स है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। लाइक जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, जब इंडिया में सेंसस करते हैं तो उसके थ्रू हमें क्या है जो पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक एलिमेंट्स हैं, लाइक जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, राइज इन प्राइजेस, तो उसकी जो सिचुएशन है कंट्री में उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। अब देखो जो कंट्री में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने NSSO ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया था। क्यों इम्प्लीमेंट किया था? ताकि जो कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक इश्यूज अराइज क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है, कॉजेज क्या है, उसके बारे में स्टडी कर सके। देखो जो फर्स्टली इंडिया में सेंसस हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद, वो कब हुई थी? फर्स्टली सेंसस इज वॉज कंडक्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1951 में जो इंडिया में सबसे फर्स्ट सेंसस की गई थी, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन की गई थी, ठीक है। और पॉपुलेशन की कैलकुलेशन के साथ साथ उन्होंने क्या है जो पॉपुलेशन के अदर एलिमेंट्स हैं लाइक सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, अर्बन एरिया, रूरल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सर्विस एरियाज एक्टिविटीज, मॉर्बिडिटी, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्या है स्टडी करते हैं वो। तो NSSO ऑर्गेनाइजेशन है जो भी टॉपिक के ऊपर स्टडी करते हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी पे स्टडी करते हैं, तो उसको वो स्टडी करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको रिपोर्टर क्या है पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। और उसको फिर बाद में क्या है परसेंटेज की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हमें कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, उसकी रियल सिचुएशन के बारे में पता चले, ठीक है। और उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या है प्लानिंग वगैरह इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, थैंक्स।